अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि नंबर की टाइप कौन कौन सी है, जो नंबर लाइन पे नंबर्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है जी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम आम रूटीन में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम के तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम एन से डिनोट करते हैं, तो इसको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट करते हैं और ये लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, 3 dots, that means up to so on। और ये 3 dots जो होते हैं इसको ellipses बोलते हैं। ellipses इसका मतलब होता है and so on, और इसका मतलब ये है कि नंबर आगे तक चल रहे हैं, ये किसी भी एक डेफिनेट पॉइंट पे रुकते नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जी, इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, और उनके अलावा जीरो इन नंबर्स में शामिल होता है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स तमाम के तमाम नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कि नंबर्स जो हैं ये जीरो इंक्लूड है और बाकी तमाम नेचुरल नंबर्स। इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स इज इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं जी इंटीजर्स। नेचुरल नंबर में हमने देख लिए जी पॉजिटिव के सारे नंबर्स, 1 से लेके अप टू 16। होल नंबर्स में हमने देख लिए कि जो जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इंटीजर्स वो तमाम नंबर्स जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं, जीरो और बाकी तमाम नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स के जो ऑपोजिट साइन वाले नंबर होते हैं, मतलब जिसको हम नेगेटिव साइन वाले नंबर बोल देते हैं, वो भी इंक्लूड कर दें। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव साइन वाले नंबर्स इंक्लूड करके जो सेट बनता है नंबर्स का, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड है, प्लस का और माइनस का 1, प्लस का और माइनस का 2, प्लस का और माइनस का 3, प्लस और माइनस का 4 एंड अप टू सो ऑन। हम जी के 2 डिफरेंट सेट्स भी बना सकते हैं। अगर मैं इसके पॉजिटिव नंबर से अलहदा कर दूं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4 एंड अप टू
सो ऑन। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स का सेट देखना चाहूं तो इसको हम डिनोट करते हैं जी नेगेटिव से, और इसमें तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर एंड अप टू सो ऑन। अभी तक हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं जी फ्रैक्शन वाले नंबर्स। फोर्थ टाइप है इसकी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन P ओवर Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू, P और Q जो है वो होल नंबर नेचुरल नंबर्स, P और Q जो है बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी मिसाल थ्री ओवर सेवन, फोर ओवर नाइन, टू ओवर वन, ये तमाम के तमाम नंबर जो है फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, अब उसने कहा है कि क्यू इक्वल टू जीरो ना हो। इसका इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर नीचे जीरो हो गया डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन जो है वो इंफिनिटी में चले जाएगी, इसीलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन के बाद है जी रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और उनका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग करता हो, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो। द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ए ओवर बी, वेयर न्यूमिरेटर ए एंड डिनोमिनेटर बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है जी कि ए ओवर बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, ए और बी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर जो है हमने सेट पढ़ा आगे, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो वो तमाम नंबर्स का सेट इंटीजर्स कहलाता है। वो कह रहे हैं जी रैशनल नंबर्स ए ओवर बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं और ए ओवर बी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं और बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और
ये ए ओवर बी जो है, अगर बी यहां पे जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि ये ए ओवर बी, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स वन है एंड बी इक्वल्स जीरो है, तो ये वन ओवर जीरो में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जी कि बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इनकी एग्जाम्पल है जी वन, टू, फोर का स्क्वेयर रूट, नाइन का स्क्वेयर रूट, ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है जी इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। द नंबर्स दैट कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर रूट थ्री, स्क्वेयर रूट सेवन, स्क्वेयर रूट टू, पाई, फाई, ETC, जो इस तरह के नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद बारी आती है जी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। पहले देखेंगे जी रियल नंबर्स और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं जी कि रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। सॉरी, तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हमें पहले इमेजिनरी नंबर्स को समझना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो स्क्वेयर लेने पे नेगेटिव रिजल्ट शो करें उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस है द नंबर्स दैट गिव नेगेटिव रिजल्ट ऑन ऑन स्क्वेयरिंग। ऑफ दैट
नंबर, द नंबर्स दैट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन स्केयरिंग ऑफ दैट नंबर, कि वो नंबर्स जो स्केयर लेने पे उसका नेगेटिव रिजल्ट शो करते हैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. इमेजिनरी नंबर्स the imaginary numbers are denoted by i, lower case i. ये क्या बोलते हैं इसको, iota, iota बोलते हैं. According to this definition मुझे ये पता लग रहा है कि आयोटा जो है जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं वो कह रहे हैं जी स्क्वायर लेने पे नेगेटिव रिजल्ट देता है. अगर मैं नेगेटिव वन का स्क्वायर रूट जो है जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ना, नेगेटिव में साइन में जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, देन आंसर आएगा नेगेटिव वन. तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वन जो आएगा उसका आंसर, तो ये हमें ये बता रहा है कि माइनस वन का स्क्वायर रूट जो है वो ही इमेजिनरी नंबर है. जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाता है और माइनस वन जो है बाकी रह जाता है. ठीक है, तो आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन इज एन इमेजिनरी नंबर. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं यहां से, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं यहां से आयोटा का, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव वन इस पूरी पावर का स्क्वायर. ठीक है, अब ये पावर और ये पावर दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू इससे हमें यह पता चलता है कि एओटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है. जिस नंबर के साथ भी एओटा लगा होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं सेवन एओटा, नाइन एओटा, थ्री एओटा, तो ये है हमारे इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है जी, ये है हमारे इमेजिनरी नंबर्स. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ के कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें रियल नंबर भी मौजूद हो और इमेजिनरी नंबर्स भी मौजूद हो, तो उस कलेक्टिवली नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 आयोटा, ये पूरे का पूरा एक नंबर है. 3 प्लस 2 आयोटा, इस पूरे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 आयोटा प्लस 1, इस पूरे नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. क्यों, जो आयोटा वाला पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है और जो विदाउट आयोटा जो दूसरा नंबर है या दूसरा डिजिट है वो हमारा रियल पार्ट है. तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं. लेट्स सपोज एक एग्जांपल है जी सेवन, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है 4 आयोटा प्लस 2. अब वो कह रहा है जी इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है. तो इस एग्जांपल में इमेजिनरी पार्ट जो है वो जहां पे आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा. इसका मतलब 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट जो है इस नंबर का वो 2 है. ठीक है, तो हमें इन एग्जांपल से पता चला. अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी नंबर एक रियल नंबर है.
इसमें भी एक इमेजिनरी नंबर एक रियल नंबर है, इसमें भी एक इमेजिनरी नंबर एक रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इन एग्जांपल्स को समझते हुए डेफिनेशन ये बनती है कि वो नंबर्स जो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये बनती है कि वो नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। The numbers that contain both real and imaginary numbers are known as complex numbers. For example, 7 plus 2 iota, 9 iota plus 3, 4 plus 7 iota, 4 plus 7 iota, etc. इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि नंबर कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, इंटीजर्स देखे, फ्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर देखे। उसके बाद हमने रियल नंबर्स देखे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।